नमस्कार, मैं काजल मिश्रा, स्वागत है आपका एनवल लाइव। नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश की मुख्य खबरों पर। हिमाचल में दक्षिण पश्चिम मानसून ने प्रवेश करते ही मचाई तबाही। इस बार पिछले साल के मुकाबले देरी से पहुंचे मानसून की पहली बारिश से शिमला में जगह जगह भूस्खलन, मलबा आने से हुआ व्यापक नुकसान। करीब 8 गाड़ियों को पहुंचा है नुकसान। शहर के मलयाड़ा, चमियाना, भट्टा कोफर, मिनी कुट्ठाधार सहित अन्य स्थानों पर हुआ है नुकसान। चमियाना में सड़क किनारे पार्क की गई गाड़ियां दब गई। मलबे में कई जगह भूस्खलन से हुआ है नुकसान। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने सुखू सरकार पर बोला है तीखा हमला। राजीव बिंदल ने दिया बयान कि सुखू सरकार अपने 18 महीनों के शासनकाल में 12 बहानों के अलावा नहीं किया है कुछ खास। हिमाचल में पति पत्नी और मित्रों की चल रही है सरकार। मुख्यमंत्री की पत्नी को टिकट देने से कांग्रेस के अंदर धधक रहा है ज्वालामुखी और 10 जुलाई के बाद फट जाएगा ये ज्वालामुखी। हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भाजपा पर बोला है हमला। प्रतिभा सिंह ने दिया बयान कि हिमाचल उपचुनाव में 3 सीटों पर हार रही है भाजपा। जनता के सामने भाजपा का षड्यंत्र हो गया है फेल। वही प्रतिभा सिंह ने नालागढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी हरदीप बावा के पक्ष में किया चुनाव प्रचार। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार व कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष नरेश चौहान ने किया दावा कि कांग्रेस उपचुनाव में जीतेगी 3 सीट। विपक्ष बुरी तरह से है बिखरा हुआ। भाजपा के अंदर है विरोध। कांग्रेस से विधायकों को तोड़ने और अपने नेताओं को खत्म करना, आजाद विधायकों के इस्तीफे दिलाने से लेकर सारे प्रकरण में बीजेपी के नेता पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नहीं है साथ। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के लिए दिग्गज बिछा रहे बिसात। जोर पकड़ने लगा चुनाव प्रचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर के चुनावी रण में उतरने से देहरा में ही दोनों राजनीतिक दलों कांग्रेस और भाजपा का है खास फोकस। हमीरपुर और नालागढ़ में प्रत्याशियों में रोचक हो गई है टक्कर। नालागढ़ में तिकोना लग रहा है मुकाबला। हिमाचल में अब डिपॉजिट वर्क में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों पर होगी कार्रवाई। भवन निर्माण के कार्यों की गुणवत्ता को जांचेगी सरकार। अगर 2 कार्यों में बरती गई कोताही तो ठेकेदारों को नहीं दिया जाएगा तीसरा कार्य। सरकार ने विभाग को भवन निर्माण संबंधित कार्यों की समीक्षा करने के दिए निर्देश। इससे पहले सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चरण 3 में ठेकेदारों को किया है ब्लैकलिस्ट। सरकारी एजेंसियों को मंडी मध्यस्थता योजना के तहत अपना सेब देने वाले लगभग 30,000 बागवानों को पुराना हिसाब चुकता करने के हैं निर्देश। सरकार ने अपनी एजेंसियों को है कहा कि वह MIS का पैसा जल्द से जल्द कर दे चुकता। माना जा रहा है कि अगले महीने तक बकाया पड़ी 20 करोड़ रुपए की राशि कर दी जाएगी चुकता, जिसके लिए HPMC ने दे दिए निर्देश। मंडी जिले में होने वाले करोड़ों रुपए के सेब के कारोबार के लिए नहीं मिल रहे खरीदार। उत्पादन कम होने से बगीचे खरीद में नहीं दिखा रहे रुचि। 35 लाख सेब पेटी उत्पादित करने वाली मंडी जिले में इस बार 24.47 लाख सेब पेटी उत्पादन की होने की है उम्मीद। मंडियों के आढ़ती भी कम दाम के दे रहे ऑफर, इस कारण व्यापारी सेब बगीचों पर हाथ डालने से कर रहे हैं परहेज। 8,000 से अधिक मुकदमे लड़ रहा है लोक निर्माण विभाग। भूमि अधिग्रहण सेवा क्षेत्र की शिकायतें आउटसोर्सिंग और अनुकंपा से संबंधित है ये मुकदमा। इन मुकदमों की वजह से विभागीय काम करने में हो रही परेशानी। भूमि अधिग्रहण मामला लोक निर्माण विभाग के लिए हमेशा रहा है विवादास्पद। लंबी कानूनी लड़ाई की वजह बनते हैं ये मुद्दे। हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों में मानसून ने दे दी है दस्तक। मानसून की दस्तक के साथ ही कुछ जिलों में हो रही है बारिश। ऊना जिले के कुछ एक क्षेत्रों में 70 मिलीमीटर से ज्यादा हुई है बारिश। मौसम विभाग के अनुसार ऊना के अलावा शिमला, सोलन, सिरमौर, कांगड़ा, मंडी व हमीरपुर जिला के कुछ क्षेत्रों में भी पहुंच गए मानसून। मौसम विभाग की माने तो हिमाचल में अगले 6 दिनों तक निरंतर होगी बारिश। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की अब तक की मुख्य खबरें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे एनवल लाइव।